सो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मासूम छतरी और आप देख रहे हैं टेक्निकल गैजेट। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 5,000 रुपए में आप कौन से वो फोन हैं जो आप परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं स्टार्ट करता हूं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन जाके सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। हम सभी जानते हैं कि 5,000 रुपए में बहुत ही कम फोन्स होते हैं जो अच्छे होते हैं, और वही कुछ अच्छे फोन्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मैं स्टार्ट करता हूं ऑनलाइन से। ऑनलाइन में सिर्फ दो फोन्स हैं। पहला जो फोन है वो है Xiaomi की ओर से Redmi 5A, दूसरा जो फोन है वो है 10 और D। अब देश का स्मार्टफोन 10 और D पे भारी बिल्कुल नहीं पड़ता है। जो स्पेसिफिकेशन है Redmi 5A की वो कुछ इस प्रकार है। 5 इंच की HD डिस्प्ले, 3000 mAh की बैटरी, जो डिज़ाइन है वो थोड़ा थोड़ा प्लास्टिक की टाइप का है, प्लास्टिक ही है, थोड़ा फील देगा मेटल का बट वो है प्लास्टिक। अब 2GB RAM, 16GB इंटरनल मेमोरी आपको मिलेगी और 2 SIM प्लस SD कार्ड का सपोर्ट मिलेगा, तो बहुत अच्छी बात है ये। 2 SIM प्लस SD कार्ड का सपोर्ट आपको मिल रहा है। और कैमराज कुछ इस प्रकार के हैं कि 13 MP और 5 MP। स्नैपड्रैगन 425 दिया गया है जो बहुत ही अच्छा हार्डवेयर है। 5,000 के अंदर तो किलर है यार, ठीक है। अब नेक्स्ट जो फोन है वो फोन का नाम है 10 और D, जो फुली कम किल करता है इस फोन को, मीन्स रेडमी के 5A को। 10 और डी में 3500 mAh की बैटरी है, मतलब 500 mAh की बैटरी एक्स्ट्रा, ठीक है। स्नैपड्रैगन 425 सेम एज Redmi 5A, ठीक है। नेक्स्ट 5.2 इंच की एक HD डिस्प्ले, मतलब 0.2 इंच एक्स्ट्रा, मीन्स बड़ा डिस्प्ले है, ठीक है। अब इसमें भी आपको 2 SIM प्लस SD कार्ड का सपोर्ट मिलेगा और 2GB RAM और 16GB इंटरनल मेमोरी मिलेगी। इसमें आपको मिलेगा फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो बहुत अच्छी बात है मेरे ख्याल से 5,000 के अंदर। सो फ्रेंड्स, ये तो बात थी ऑनलाइन की, बट ऑनलाइन में आपको मेरे तरफ से क्या फुली रिकमेंड है वो है 10 और D। बट कई लोग सोचेंगे यार मेरे को चाहिए सर्विस, तो यार डेफिनेटली जो लोग सर्विस को लेके अच्छे, मतलब सर्विस चाहिए मतलब चाहिए, वो लोग ले सकते हैं रेडमी के फ़ोन 5A, ठीक है। और भी वो लोग ले सकते हैं जो मी फैंस हैं या फिर जिनको चाहिए MIUI, ठीक है। और 10 और D वो लोग ले सकते हैं जो लोग को चाहिए गेमिंग मल्टीमीडिया, बिकॉज इसमें बड़ी बैटरी है, अच्छा प्रोसेसर है, प्रोसेसर तो सेम है बट बड़ी बैटरी है, ठीक है। जो लोग को चाहिए, जो लोग को परवाह नहीं है ना सर्विस का, वो लोग पक्का ले सकते हैं 10 और D, ठीक है। नेक्स्ट ऑफलाइन, ऑफलाइन में सिर्फ एक ही फ़ोन है जो मेरे तरफ से फुली रिकमेंड है और वो थोड़ा सा महंगा है, वो 5,500 रुपये का है, 5,500 रुपये एक्स्ट्रा, वो है माइक्रोमैक्स भारत 5। ये फ़ोन भी मैं इसलिए कर रहा हूँ इसमें ये वीडियो में अटैच, बिकॉज इसमें बहुत अच्छी चीज़ है, वो है 5,000 mAh की बैटरी। मतलब 5,000 रुपये में आपको 5,000 mAh की बैटरी मिलती है, मतलब ऑसम यार, आराम से यार। अगर आप लो यूज़र हैं तो आराम से 3 दिन चलने वाला है, मॉडरेट यूज़र हो तो 2 से 2.5 दिन, और अगर आप एकदम हैवी यूज़र हो तो आराम से आपको 1.5 से 2 दिन मिल जाएगा इसका बैटरी बैकअप। इसमें सबसे ख़राब बात यह है इसमें सिर्फ 1 GB की रैम है और 16 GB इंटरनल मेमोरी, वो अच्छी बात है, बट 1 GB की रैम है। और इसमें सबसे घटिया नहीं, ठीक है, प्रोसेसर इसका जो है MediaTek MT6737, जो 5,000 रुपये में यार डिसेंट है, अच्छा है, मल्टीटास्किंग अच्छा करता है 5,000 रुपये के हिसाब से। नेक्स्ट, इसमें आपको 5 इंच की HD डिस्प्ले मिलेगा, जी हाँ, WVGA नहीं ना, HD डिस्प्ले, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। 2 SIM प्लस SD कार्ड का सपोर्ट और डिज़ाइन भी अच्छा है। इसमें आपको 8 MP और 5 MP का कॉम्बिनेशन मिलेगा, सो ये भी अच्छी बात है। अब मैं और कोई फ़ोन को रिकमेंड नहीं करता ऑफलाइन में, और ऑनलाइन में मैंने बता दिया। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा यार कोई बात नहीं, कमेंट करो मेरे को क्या इम्प्रूव करना है, आपको क्या देखना है, कुछ भी आप पूछ सकते हैं मेरे से कमेंट सेक्शन में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन यार करो सब्सक्राइब, बिकॉज 1K सब्सक्राइबर हम लोग हिट करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।